केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के पैसों के कथित लेनदेन को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले के सूत्रधार को ढूंढा जा रहा है। पहला शक तो कमलनाथ पर था, क्योंकि कांग्रेस को इस वायरल वीडियो से चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला था। पर तोमर से जुड़े सूत्र खुलासा करते हैं कि इन वीडियो को वायरल कराने में प्रदेश के भाजपा नेताओं के भी हाथ हो सकते हैं। इस कड़ी में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम लिए जा रहे हैं। अगर राज्य में भाजपा की वापसी होती है तो सीएम पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ही शिवराज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य भी ग्वालियर चंबल संभाग में अपने लिए कोई नई चुनौती नहीं चाहते। सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा शीर्ष ने दतिया विधानसभा क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारने का मन बनाया था। महाराज बमुश्किल भाजपा शीर्ष को ये समझाने में कामयाब रहे कि उनकी जगह उनके लोगों को ही टिकट देने में भलाई है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।